अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी और अच्छे से होगी अपने घर में। और काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और आज मेरे किचन में बन रहा है कीमा, हरी मिर्च दम कीमा, जो कि नहायत ही आसान और बिल्कुल सिंपल सा है। और मैं तो जब भी मुझे जल्दी कुछ कुकिंग करनी होती है तो मैं झटपट से बना लेती हूँ। और कुछ जुमे वाले दिन तो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ गैस का इतना प्रॉब्लम होता है कि बहुत परेशानी हो जाती है। और लाजमी बात है जुमे का दिन, और आज सर्दियाँ हैं तो गीज़र में पानी वगैरह तो गर्म मिल जाता है, लेकिन चूल्हों में गैस बहुत स्लो आती है तो इस वजह से बहुत मुश्किल आता है। तो हम झटपट से मैं कुछ कुकिंग करने वाली थी, तो जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वह मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। तकरीबन आधा कप से भी कम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डलेगा, क्योंकि आधा किलो बगैर हड्डी का गोश्त है तो लाजमी होता है, बस थोड़ा सा ही है क्योंकि हम दोपहर हमें खाना है और अफजाल का यानी कि हमारे हस्बैंड का खाना जाएगा दुकान पे, तो बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही कुकिंग करेंगे। और उसमें हमें दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके रखी है और यहाँ पर दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके रखी थी। अब ये प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ, उसको तकरीबन नरम होने तक इसको हमें पकाना है। डार्क ब्राउन नहीं करना हमें प्याज को, बस थोड़ा सा यानी कि नरम हो जाए ताकि हम अगर कीमा डालेंगे तो कीमे के साथ अच्छे से ये मिक्स हो जाए, खड़ी खड़ी ना रहे प्याज। और आप सबको जुमा मुबारक मुबारक हो बहुत बहुत। और हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन भी था, और पिछले जुमे को रबी अव्वल थी, मैं अपने व्यूअर्स को बता नहीं पाई थी बिल्कुल भी बहुत, क्योंकि हम लोग खुद वो होते और मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, मुझे बहुत अफसोस था। लेकिन इंशाल्लाह अब मेरी वीडियो रेगुलर आएंगी क्योंकि बहुत बस। और यहाँ माज और ज़ैनब जूस के पीछे लड़ाई कर रहे थे तो मैंने कहा इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। और यहाँ तकरीबन प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुकी है, जिस तरीके से मुझे चाहिए थी इस तरीके से प्याज हो गई है ब्राउन। और अब हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमा धो के और खून का पानी जो होता है एक दफ़ा निकाल के कट करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं लाइट चली गई थी तो ज़ियान का सूट रह गए थे इस्त्री करने के लिए, तो जैसे ही लाइट आई तो मैं फ़ौरन पहले ज़ियान के कपड़े इस्त्री करने के लिए आई, क्योंकि ज़ियान नहा के तैयार नहीं हुए थे जुमे की नमाज़ के लिए। और लाइट भी बहुत तंग कर रही है हम लोगों को यहाँ। फिर अब मैं यहाँ वापस आई तो जल्दी से मैंने फिर कुकिंग स्टार्ट करी अपनी जल्दी दोबारा से। लाइट ब्राउन प्याज थी, उसमें कीमा डाल के इसको हल्का सा यानी कि 2 से 3 मिनट तक हमें बस भुनना है ताकि कीमे का खुद का पानी खुश्क हो जाए और कीमे में एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, बस लहसुन अदरक है और साबुत यानी कि हरी मिर्चें हैं वो कट करके रखी हैं मैंने। आप यही हरी मिर्च दम कीमा बनाएंगी तो आप कहेंगे इसमें इतने मसाले तो हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत मज़े का एक अजीब एक अच्छा सा जायका आ जाता है, एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो एक अच्छा सा जायका आ जाता है। और यहाँ तकरीबन हरी मिर्च साबुत कट करके रखी थी मैंने, 8 से 10 अदद अदरक के और लहसुन है। और ये हम तकरीबन अब सारा मसाला डालेंगे कीमे के अंदर। और यहाँ तकरीबन सारा मसाला मैंने कढ़ाई में डाल चुकी हूँ और अब इसको खूब भूनना है हमें, और यानी कि एक मिक्स करना है, एक जान करना है। और आप ये नोट करें मैं कीमे में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। दम कीमे का मतलब ये है कि सिर्फ दम पे ही पकेगा ये, ना ही इसमें हम पानी डालेंगे ना ही कोई दही शामिल करेंगे कि दही का खुद का पानी हो तो शायद उसमें कीमा बन जाए, तो ये सब कुछ भी नहीं है। आप रेसिपी के गौर से देखें और इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनेगी। और यहाँ टेस्ट के मुताबिक मैंने नमक ऐड कर दिया है और आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा नमक।
मेरी रिकॉर्डिंग के ज़रिए नहीं डालिएगा, क्योंकि बास लोग हल्का नमक खाते हैं, कोई तेज़ खाता है, तो हम थोड़ा लाइटली लेते हैं, तो हम लोग थोड़ा नॉर्मल रखते हैं नमक। और यहाँ मैं थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूँगी। हल्दी एक छोटा टेबल स्पून मैंने हल्दी शामिल करी इसमें। और आलू के साइज़ देख लें आप, छोटे वाले आलू रखे हुए थे 2 से 3 अदद, तो मैंने सोचा कि इसमें आलू भी ऐड कर दिया जाए। और आलू की कटिंग आप देखो किस तरीके की है। और जो बच्चे आलू शौक से खाते हैं, तो फिर उनकी लिए कोशिश करते हैं कि आलू की रेसिपी ही बन जाए, ताकि बच्चे अच्छे से पेट भर के खा लें। और मांस तो खैर नहीं खाते आलू शौक से, लेकिन ज़ियान और ज़ैनब माशाल्लाह बहुत शौक से आलू खाते हैं, तो इनको आलू की चिप्स दे दो, आलू की कटलेट्स दे दो बना के, तो ये खा लेते हैं माशाल्लाह से। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि सालन में अगर इस तरीके का कोई आइटम बनाती हूँ, तो उसमें आलू ऐड कर लेती हूँ, ताकि बच्चे शौक़ से खा लें और बच्चों का पेट मज़े से भर जाए। और यहाँ तकरीबन सालन जो है तैयारी पर आ चुका है। और फिर मुझे अब रोटियाँ भी डालनी है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और जुमे के दिन गैस बहुत स्लो आता है, तो थोड़ा मुश्किल से काम मैनेज हो पाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करा ही देता है काम सारा। और यहाँ तकरीबन सालन तैयार होने को आ रहा है। और यहाँ ज़ैनब की कुछ प्यारी सी बातें हैं, आप सुने आपको अच्छी लगेंगी। कौन सी क्रीम है, कोल्ड क्रीम जी? वो अच्छा सर्दियों में अच्छी लगती है ना ज़ैनब कोल्ड क्रीम जी? अच्छा सही है बिल्कुल, यानी कि अगर हाथों पे खुश्की वगैरह आए सर्दियों में, तो आप कोल्ड क्रीम यूज़ करती हो? हाँ। अच्छा वो सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ आपने ज़ैनब की बातें सुनी, तो मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, और बहुत अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छा करें। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला कुल जहान की बेटियाँ जो छोटी हैं, लाजमत बड़ी होंगी, उनके नसीब अच्छे करें। बेटियों से डर नहीं लगता, लेकिन बेटियों के नसीबों से डर लगता है, क्योंकि एक माँ बाप ऐसे फ़र्द हैं जो बेटी का दुख कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यहाँ तकरीबन सालन फाइनल लुक पर आ चुका है, यानी कि आने वाला है तकरीबन। और अफसोस कि हमारी ना लाइट भी चली गई है, तो बस मोबाइल की टॉर्च से मैं वीडियो ही बना रही हूँ, और अंधेरा कुछ आपको महसूस हो रहा होगा, तो बस अफसोस है कि। और मैं जनरेटर चलाने गई थी ऊपर, लेकिन जनरेटर पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, बहुत मिसिंग कर रहा है जनरेटर। और हालांकि रिपेयरिंग भी करवाई है, अभी इंजन भी ब्लैंक हो गया था उसका, तो लेकिन इंजन भी बनवाया है, लेकिन बस कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आ जाता है और पता भी नहीं चलता हमें, तो बस जनरेटर ने भी साथ छोड़ दिया, कुछ अंधेरे में ही वीडियो थोड़ी सी बन पा रही है। यहाँ सालन तकरीबन तैयार है, और यहाँ मैं रोटियाँ डालने की तैयारी कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे को मेरी रोटियाँ नहीं देखी, तो आज वो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे मेरे हाथ की रोटियाँ। और हाँ, सीधे तवे की रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि चूल्हा हमारा बहुत छोटा है। अमूमन मेरे ससुराल में सब उल्टे तवे की रोटियाँ खाते हैं, लेकिन मैं सीधे तवे की रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि चूल्हा बहुत छोटा है, और मेरे पास जो उल्टा तवा है ना वो बहुत बड़ा है, वो चूल्हे पे फिक्स नहीं होता, बार बार गिरता रहता है, तो उससे नुकसान होता है कि या तो मैं जलूँगी किसी दिन, या तो चूल्हे की कुछ होगा, तो लिहाजा फिर वो काम ना करें ना इंसान, जिससे नुकसान होने का डर होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जब अंगीठी हम लोग सेट करवा लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं उल्टे तवे की रोटियाँ भी आपको दिखाऊंगी अपनी, कि मेरे हाथ की उल्टे तवे की रोटियाँ कैसी हैं। और ये सब मैंने कुकिंग मुझे नहीं आती थी पहले, जो भी थोड़ी बहुत अच्छी बुरी जैसी भी मैं कुकिंग करती हूँ अपने ससुराल से ही सीखी है मैंने। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को।
बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मैं भी आपको बहुत सारी दुआओं में याद रखती हूँ। और ये सालन का तकरीबन फाइनल लुक देखें, नमकीन है, ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं है, मिर्चें कम मकदार में डालनी है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए तो अच्छे तेज़ क्वान्टिटी में रख लें यहाँ। और ये सब मैंने अंधेरे में वीडियो बनाई है क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से मैंने मोबाइल की टॉर्च ली हुई है। और यहाँ तकरीबन मेरे बच्चे नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं ज़ोहर की, तो अब हम खाना खाएंगे और मैं ख़ुद भी नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।